टीवी सीरियल ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रुद्राक्ष के साथ, जो प्रिशा से कहेगा कि कबीर को अच्छे से पता है कि मैं सारांश से कितना प्यार करता हूँ, फिर भी उसने ऐसा किया। प्रिशा उससे कहेगी कि हाँ, कोर्ट की हियरिंग कल है, इसीलिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तैयारी के लिए। वो रुद्राक्ष के साथ मिलकर उनके फैमिली लॉयर को कॉल करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं केस के बारे में। लॉयर उनको बताता है कि मैं तो गोवा पहुँच चुका हूँ, क्योंकि साइक्लोन की वजह से कोई भी बाहर जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं राइट नाउ नहीं आ सकता। रुद्राक्ष कहता है अपनी फैमिली को कि अब वो नहीं लड़ेगा हमारा केस, तो आखिर कौन लड़ेगा। यहाँ पर प्रिशा से कहती है कि अब तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। तब युवराज पिल्लई पीछे से आता है और कहता है कि मैं लड़ूंगा तुम दोनों का केस। रुद्राक्ष देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करोगे। युवराज उसे रिमाइंड करवाता है और कहता है कि तुम भूल गए, मैंने महिमा वाले मैटर में तुम्हारी मदद की थी, और वैसे भी सारांश के साथ मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है जो तुम नहीं समझ पाओगे। सुलोचना इन सारी बातों को सुनकर के ये सोचती है कि शायद युवराज ने पार्टी बदल ली है। युवराज यहाँ पर खुरानास को बताता है कि आपके पास और कोई दूसरी चॉइस है भी नहीं मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने के अलावा। रुद्राक्ष यहाँ पर उसकी बात मान लेता है, उसके साथ हाथ मिला लेता है। सुलोचना सोचती है कि अब युवराज ने हमें धोखा दिया है, और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। युवराज उससे कहता है कि अरे तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे कि तुम रुद्राक्ष से कितना जलती हो, तुम तो उसकी माँ हो यार। यहाँ पर सुलोचना कहती है और तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि जैसे तुम उसकी साइड हो। यहाँ पर युवराज कहता है कि तुम्हें मेरी स्ट्रेटजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, डोंट वरी, वो लोग केस नहीं जीतेंगे चाहे जो हो जाए। और वो सुलोचना युवराज के प्लान की ढेर सारी तारीफ करती है। वहाँ पर सारांश प्रिशा से कहेगा कि क्या हुआ अम्मा, आप सडनली ऐसे सैड क्यों हो गए। यहाँ पर प्रिशा अपने बच्चे से सब कुछ छुपा जाएगी और उसे कहेगी कि कुछ नहीं हुआ करना, तुम आराम से सो जाओ। और यहां पर सैड सॉन्ग प्ले होगा और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर रुद्राक्ष और प्रिशा सारांश को देखते ही देखते पूरी रात वहीं सो जाते हैं। उधर शारदा कहेगी रुद्र प्रिशा से कि डोंट वरी बेटा, सच हमेशा जीतता है। वसुधा भी इन दोनों को आशीर्वाद देती है कोर्ट जाने के लिए। सब कोर्ट पहुंच जाते हैं। कबीर का जो लॉयर है वो कहता है जज से कि सारांश उनकी कस्टडी में सेफ नहीं है रुद्र और प्रिशा के साथ। तभी वो डॉक्टर को बुलाता है विटनेस बॉक्स में, जो प्रूफ करता है अपना पॉइंट। रुद्राक्ष कहता है जज से कि आप इस डॉक्टर की गवाही कबूल मत कीजिए, क्योंकि ये तो हमसे उसी दिन से फ्रंट है। यहाँ पर जज कहते हैं कि आप केस के बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। कबीर यहाँ पर अपने लॉयर से कहता है कि डॉक्टर से पूछिए कि दो दिन पहले क्या हुआ था। डॉक्टर सब कुछ बताता है। कोर्ट में गवाही देते हुए कहता है कि प्रिशा ने अपने बच्चों को स्लीपिंग पिल्स देती थी, जिनका नाम सारांश और सनी है। प्रिशा यहाँ पर कहती है जज से कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है, क्योंकि हम मुझे पता ही नहीं था कि वो स्लीपिंग पिल्स थी। जज यहाँ पर युवराज को वार्न करता है और कहता है कि आप अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए, वरना केस कुछ भी गलत राह पर जा सकता है। युवराज यहाँ पर कहेगा प्रिशा से कि तुम प्लीज़ भगवान के लिए शांत रहो, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। कबीर यहाँ पर अपने लॉयर से कहता है कि डॉक्टर से पूछो कि सारांश क्या सेफ है रुद्र और प्रिशा के साथ। यहाँ पर बताता है लॉयर रुद्र और प्रिशा के खिलाफ बोलते हुए कि ये दोनों एक लापरवाह पेरेंट्स हैं, सारांश उनके साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं है। युवराज यहाँ पर डॉक्टर से पूछता है कि अच्छा एक बार बताओ, तुम तो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो, क्या तुमने ऐसे सिचुएशन कभी फेस नहीं की। डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये बहुत डिफरेंट केस है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को नींद की दवाई कैसे दे सकती है, वो भी जब वो एक खुद रेप्यूटेटेड डॉक्टर है। युवराज यहाँ पर विटामिन सी और स्लीपिंग पिल्स की बॉटल दिखाता है और उसे कहता है कि बताओ इन दोनों में से स्लीपिंग पिल्स कौन सी हैं। डॉक्टर आंसर नहीं दे पाता। युवराज कहता है कि क्यों, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट और अच्छे डॉक्टर हो ना, जब तुम ही इसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे तो प्रिशा कैसे कर लेगी। युवराज यहाँ पर प्रूफ कर देता है कि वो सिर्फ प्रिशा की मिस्टेक थी और कुछ भी नहीं, और वो प्रिशा की साइड लेता है। सुलोचना सब कुछ देखकर चुप रहती है और सोचती है कि पता नहीं युवराज अब आगे क्या करने वाला है। सुलोचना यहाँ पर सारांश को कस्टडी केस के बारे में सब कुछ बता देती है। सारांश यहाँ पर कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं तो सिर्फ रुद्र
और प्रिशा मम्मा के साथ ही रहूंगा और वहां से भाग जाता है। युवराज यहां पर कॉल करता है शारदा को विटनेस बॉक्स में बुलाने के लिए। शारदा जज को बताती है कि सारांश प्रिशा की जिंदगी है। उनसे भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज आप इन दोनों को एक दूसरे से जुदा मत कीजिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर सारांश की कस्टडी केस किसके हाथों में जाती है और क्या होगा प्रिशा और सारांश के रिश्ते का। वेल, अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल से आपा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।